हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड WBSE क्लास 10 उर्दू का नाम है मुंतखब उर्दू। तो इस उर्दू का एक मशहूर ख़ास नजम है जिसका नाम है किसान। तो इसका लिखने वाला मैं इसका खुलासा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नजम किसान का लिखने वाला जोश मलि आबादी है, जो किसानों पर जुल्म इस नजम में बताया गया है कि किसानों पर किस तरह से जुल्म सितम हो रहा है, उनको अपना हक नहीं दिया जा रहा है, चीज़ों की दाम जो है कम हो रहा है, किसानों की चीज़ों का दाम कम हो रहा है। तो इस नजम में यही बताया है। तो हम इस नजम किसान का अपनी ज़ुबान में खुलासा यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आप लोग जितना भी वीडियो मैं उर्दू का बनाऊं और जो बना चुका हूँ सारा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नजम किसान का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए। जवाब, शाम के वक्त खेत खलिहान सब खामोश तारी है, शाम का मंजर पेश करता है शुरुआत में इस नजम का कि शाम के वक्त खेत खलिहान सब खामोश तारी। जब हम लोग देखे हैं, ये तो हम लोग कह पाएंगे कि जब शाम हो जाती है तो खेत खलिहान मतलब चारों तरफ एकदम खामोशी छा जाती है, क्योंकि सब किसान घर आ जाते हैं, जितने भी लोग हैं बाहर रहते हैं सब अपने अपने घर में दाखिल हो जाते हैं। रात का अंधेरा फैल जा रहा है, और आस्ते आस्ते क्या होता है, रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल जाता है। इस खामोश फिजा में अर्ता का पेशवा, तो इसी खामोश फिजा में मतलब अब जो शाम हो गई है, खामोश हो गई है, अंधेरा फैल गया है, तो इस खामोश फिजा में क्या होता है, अर्तगा का पेशवा। अर्तगा का पेशवा मतलब ये जो दुनिया चल रही है इसको चलाने वाला, और तहजीब का परवरदिगार, तहजीब को चलाने वाला, तहजीब का रहनुमा किसान नजर आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा है, तहजीब का परवरदिगार किसान नजर आ रहा है। तो इस खामोश फिजा में अब क्या होता है कि किसानों के बारे में जिक्र किया है, क्या कह रहा है, देखिए, किसान के खून में बिजलियाँ दौड़ती है। बिजलियाँ दौड़ती मतलब कहते हैं कि वो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उसको जिसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, पसीना बहते हैं, खून पानी हो जाता है, तो ये बोलता है बिजली दौड़ती है। रात के वो इसकी नज़रें आसमान और दिन को खाक का मुशाहदा करती है। रात को इसकी जो नज़रें हैं वो आसमान पर रहता है, और दिन का जो है मिट्टी पर, खाक पर, खाक में मिट्टी मतलब उनके खेत पर। तो अब यहाँ पर रात के वक्त इसके नज़रें जो आसमान पर रहते हैं, आसमान मतलब जैसे कि बारिश का इंतजाम, उन लोगों का घर तो अच्छा नहीं है कि आलीशान महल में रहते हैं, बहुत सारे घर में छत भी नहीं होता है, तो इसलिए वो आसमान पर रहता है कि कब बारिश हो, खेतों के लिए फ़ायदा हो, और दिन के वक्त अपनी खेती बाड़ी का मेहनत करते हैं। तो आम आदमी की नज़र में किसान एक जाहिल शख्स है जो दूसरों के लिए खून पसीना बहाता है। कहता है नॉर्मली लोगों की नज़र में किसान एक जाहिल शख्स है। जाहिल मतलब हम लोग जानते हैं इलिटरेट पर्सन, जो दूसरे के लिए खून पसीना बहाता है। तो दूसरों के लिए जैसे कि अब जो शहरों में होते वो तो अनाज नहीं उगाते हैं, तो अनाज कौन लोग होते हैं, किसान लोग उगाते हैं, इसलिए बोलता है कि दूसरे के लिए ये क्या होता है, खून पसीना बहाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में क्या होता है, सॉरी नेक्स्ट पेज में नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। किसान की दम से तहजीब व तमद्दुन कायम है, मैंने किसान की मेहनत से, किसान की हिम्मत से, किसान की लगन से, उसकी कड़ी मेहनत से क्या होता है, तहजीब का तमद्दुन कायम होता है, मतलब तहजीब का रवा दवा रहता है, तहजीब रवा दवा रहता है। इसके माथे का पसीना काबिल एहतराम है, कहता है इसके माथे जो पसीना होता है वो बहुत ही अहमियत रखता है। बादशाह और दौलतमंद अपनी इज्जत व वकार के लिए इसकी मौत आ जाए, कहता है बादशाह और दौलतमंद अपनी इज्जत व वकार के लिए इसकी मौत आ जाए। कहता है बादशाह और दौलतमंद लोग अपनी जो ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो किसकी वजह से, किसान की वजह से, क्योंकि अगर किसान फसल उगाएंगे नहीं, अनाज नहीं उगाएंगे, फल फ्रूट नहीं उगाएंगे, तो जो बादशाह और दौलतमंद लोग हैं उन लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जानता भी नहीं है, तो इसलिए वो किसान उन किसान लोगों का वो मोहताज रहता है। किसान लोग नहीं उगाएंगे तो उन लोगों को भोगे रहना पड़ेगा। किसान कड़ी धूप में सख्त मेहनत करने के बाद घर जा रहा है, कहता है
अब ये शाम जो हो गई तो किसान सख्त कड़ी मेहनत के बाद क्या होता है, अपना घर लौट रहा है। इसके सर पर टोकरा और बगल में फावड़ा रहता है। तो इसके सर पर मतलब सर पर क्या हो जाता है, टोकरी रहता है और बगल में फावड़ा, जैसे कि कोदाल की जैसा। सामने बैलों की जोड़ी, और सामने क्या रहता है, बैलों की जोड़ी जो हल जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसान सर झुकाए आस्ते आस्ते कदम उठा रहा है, मैंने अब खेत से जो लौट रहा है। जूही शाम होती है, इसकी नज़रों के सामने भूख से बिलकते बच्चों और बेरवा बीवी का चेहरा घूम रहा है। जब वो वापस खेत से आता है तो उनकी नज़रों में, उनके दिमाग में यही घूमता है कि भूखे बच्चों के लिए क्या खिलाए। भूखे बच्चों के लिए परेशान हो जाते हैं, और बेरवा बीवी का और परेशान बीवी का जो चेहरा घूम रहा है। इसके घर में खाने पीने का सामान है और ना रुपये पैसे। सब सरमादारी ने किसानों से जीने का हक छीन लिया, और क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके घर में खाना पीने का सामान भी नहीं है, ना रुपया पैसा। तो किसकी वजह से, सरमायादार की वजह से। तो पुराने ज़माने में जो है, जो अमीर लोग थे, जो ज़मींदार लोग थे, जो साहूकार थे, वो पूरा जो है टैक्स इन लोगों पर आयद करने के बाद पूरा जो है टैक्स, पूरा खेती बाड़ी का जो रुपया पैसा है, पूरा जो फसल है, वो उन लोगों को देना पड़ता था। इसलिए जो है इन लोगों के घर में खाने पीने का नहीं रहता है। आज इसका हाथ इंसानी खून से रंगा हुआ है। आज इसका हाथ जो है इंसानी खून से रंगा हुआ, मतलब ये जो है इन लोगों का खून जो है दूसरे लोग चूस रहे हैं। अमन व अमान की हामी इस जुल्म पर दांतों में उंगलियां दबाते हुए, और अमन व अमान की हामी, किसान लोग जो है बिल्कुल शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो ये अमन जो है बिल्कुल जुल्म सितम पर जुल्म सितम को जो है सहते जाते हैं। शायर कहता है कि ए सरमायादारो, अब भी मौका है, समझ जाओ, वरना गरीबों और मजदूरों का गुस्सा तूफान बनकर तुम्हें उड़ा ले जाएगा। तो लास्ट में ये जोशमली आबादी फरमाते हैं कि ए सरमायादार, ए अमीर लोगों, ए अंग्रेजों को ये बात बता रहा है कि अब भी मौका है, समझ जाओ, वरना गरीबों और मजदूरों का गुस्सा तूफान बनकर तुम्हें उड़ा ले जाएगा, मतलब गरीब लोग बगावत कर लेंगे। तो ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है, जब किसानों पर जुल्म सितम हो रहा था, और उसके बाद ज़मींदार, तो उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा टैक्स किसानों को देना पड़ता था। तो टैक्स ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो टैक्स अंग्रेजों को टैक्स, ज़मींदारों को टैक्स देने के लिए वो क्या करते थे, साहूकार से क्या लेते थे, कर्ज पर रुपया लेते थे। तो रुपया लेने की वजह से कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता था कि सूद इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो लोग अदा नहीं कर पाते थे। तो अदा नहीं करने की वजह से जो है उनकी पूरी फसल उन लोगों को देना पड़ता था, ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए कहता है वो जुल्म सितम सहना पड़ता था, और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनके खाने पीने का सामान नहीं था घर में। तो इसीलिए कह रहा है अंग्रेज़ों को कि अगर अभी वो इस जुल्म सितम को कम नहीं करेगा तो ये लोग बगावत कर देंगे, जो हुकूमत के लिए जो क्या होगा, ज़मींदारों के लिए, अंग्रेजों के लिए, सरमायादारों के लिए क्या होगा, बहुत ही नुकसान होगा। तो ये वीडियो देखिए, ये बहुत बड़ी लंबी नज़म है जोशमली आबादी का, जो जोशमली का आबादी इनकलाबी शायर है, जो लोगों को गलत मतलब जुल्म सितम को लड़ने के लिए लोगों को उकसाता है। तो इसलिए ये जो है ये नज़म किसान लिखा है, किसानों की हालत के बारे में, दुख बड़े हालात के बारे में। तो देखिए ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लोग जो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को तक ये जानकारी हासिल हो जाए। और मैंने उर्दू का बहुत सारा वीडियो बना दिया है, और उसका उस प्ले उर्दू का प्ले लिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।